नमस्कार, आज हम पढ़ रहे हैं सिल्क डिगमिंग बाय सोप सॉल्यूशन। सिल्क डिगमिंग बाय सोप सॉल्यूशन यानी कि हम सिल्क फैब्रिक पे डिगमिंग प्रोसेस कर रहे हैं किसके द्वारा, सोप सॉल्यूशन से। ठीक है, सो सिल्क क्या है हमारा, सिल्क हमारा फैब्रिक का नाम है, जैसे कॉटन, जैसे वूल। डिगमिंग हमारा प्रोसेस का नाम है, जैसे स्क्योरिंग, जैसे डिसाइजिंग। ठीक है, सो क्या करेंगे इसमें हम, सिल्क फैब्रिक पे जो हमारा गमी सब्सटेंस होता है, गमी सब्सटेंस जो होता है उसको रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं उसको, क्योंकि उस गमी सब्सटेंस का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, और जब हमारा कपड़े पर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होगा तो हमारा डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग प्रोसेस हमारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और मेन ऑपरेशन है हमारा डाई प्रिंटिंग और कपड़े पे फिनिशिंग करना। ठीक है, सो हम कॉटन, वूल, इन फैब्रिक पे जब हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को रिमूव कर रहे थे, उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे थे डिसाइजिंग। ठीक है, और वैक्सी सब्सटेंस एडिड और नेचुरल इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस कर रहे थे स्क्योरिंग। वूल, कॉटन और सिंथेटिक फैब्रिक हमारे पॉलिएस्टर, नायलॉन, इनके लिए ये प्रोसेस कर रहे थे हम। इसमें क्या था कि इसमें जब हमने ये कपड़ा बनाया था, लूम पे बनाते वक्त फैब्रिक को स्ट्रेंथ देने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंस के लिए वार्प एंड वेफ्ट कोल, और ये बीच में फैब्रिक को स्ट्रेंथ देने के लिए वार्प एंड वेफ्ट साइड इंटरलेसमेंट अच्छे से हो सके, प्रॉपर टेंशन देने के लिए फैब्रिक को, ठीक है, टेंशन के लिए, यार्न बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो उस समय हमने बाय मैनुअली और बाय मशीनरी हमने खुद अप्लाई किया था। ठीक है, हमने खुद उस पर ऐड किया था। लेकिन सिल्क फैब्रिक में क्या है, जो गमी सब्सटेंस है वो नेचुरली हमारा, जो सिल्क वर्म से हमें जिस फॉर्म में मिला उस फॉर्म में ही नेचुरली हमारा उसमें गमी सब्सटेंस है। तो सिल्क फैब्रिक पे जो गमी सब्सटेंस है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को बोल रहे हैं डिगमिंग प्रोसेस। डिगमिंग प्रोसेस के दौरान, के थ्रू हम गमी सब्सटेंस को रिमूव करेंगे। वही दूसरा कॉटन और वूल और सिंथेटिक फैब्रिक थे, उनको जब हम रिमूव कर रहे थे हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को, सो उसको बोल रहे थे हम डिसाइजिंग। उसमें जो हमारा वैक्सी सब्सटेंस, नेचुरल और एडिड इम्प्योरिटीज जो हमारी थी, जैसे ग्रीस मार्क हो गया, ऑयल मार्क हो गया, इनको रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं स्क्योरिंग। लेकिन सिल्क फैब्रिक के लिए हम जब डिगमिंग करेंगे, गमी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, डिगमिंग के साथ साथ ही हमारा सिल्क फैब्रिक पे जो हमारा डर्ट, डस्ट, ग्रीस मार्क, ऑयल मार्क जो ये लग जाते हैं फैब्रिक पे, वो भी हमारा डिगमिंग के दौरान ही रिमूव हो जाता है। एडिड इम्प्योरिटी, नेचुरल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, हमें अलग से स्क्योरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सिल्क फैब्रिक के लिए। सो सिल्क फैब्रिक में हमारा क्या है कि जो नेचुरली हमारा गमी सब्सटेंस होता है उसको रिमूव करने के लिए हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं। डिगमिंग हमारी प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें कि हम सिल्क फैब्रिक पे लगे गमी, सिल्क फैब्रिक में प्रेजेंट हमारे गमी सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। इसलिए रिमूव करते हैं ताकि हम इसको डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग अच्छे से, वेट प्रोसेस अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो जो सिल्क फैब्रिक होता है हमारा, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, सिल्क फैब्रिक जो हमारा होता है नेचुरल फैब्रिक होता है, एनिमल वेस्ट फैब्रिक होता है। एनिमल वेस्ट की कैटेगरी में क्यों रखा है इसको, क्योंकि ये सिल्क के कीड़े से मिलता होता है, सिल्क वर्म जिसे बोलते होते हैं। ठीक है, और प्रोटीनस फैब्रिक होता है ये, और इस सिल्क फैब्रिक के अंदर हमारे दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक होता है फिब्रोइन, एक होता है हमारा सेरिसिन। ठीक है, जो फिब्रोइन होता है वो हमारा काम का होता है, मतलब फिब्रोइन है हमारा सिल्क फैब्रिक है, जो सिल्क फैब्रिक जो बचता है वो फिब्रोइन होता है। ठीक है, और जो सेरिसिन होता है वो गमी सब्सटेंस होता है, फिब्रोइन प्रोटीन जो होता है, सॉरी, जो सेरिसिन प्रोटीन होता है वो हमारा गमी सब्सटेंस होता है, जो कि हमें डिगमिंग प्रोसेस के दौरान रिमूव करना है। कपड़े में हमारा सिल्क फैब्रिक में 70-75% हमारा फिब्रोइन होता है, 25-28.5% हमारा सेरिसिन होता है। जो सेरिसिन होता है वो हमारा बैरियर होता है डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग में, और जो सेरिसिन होता है वो हमारा अमोरफियस होता है, और इजीली वो हमारा केमिकल से, हम उसको केमिकल के साथ वो हमारा इजीली अटैक हो जाता है, इजीली वो हमारा निकल जाता है केमिकल के साथ। लेकिन जो फिब्रोइन होता है वो केमिकल का उस पर सच्चा जैसा फ़र्क नहीं पड़ता, मान लो स्ट्रॉन्ग एल्ली या स्ट्रॉन्ग ये एसिड हम यूज़ करें, या और जो मतलब हमारे केमिकल होते हैं उनका यूज़ करें स्ट्रॉन्ग का, तो हमारा ख़राब हो जाएगा। किन केमिकल का फ़र्क नहीं पड़ता, जिन केमिकल से हम डिगमिंग करेंगे उन केमिकल का फ़र्क केवल हमारा सेरिसिन केमिकल, सेरिसिन प्रोटीन पे पड़ेगा, ना कि फिब्रोइन पे। फिब्रोइन पे नहीं पड़ेगा, हमारा केवल सेरिसिन पे पड़ेगा। और पढ़ना भी हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या है कि हमें सेरिसिन को ही निकालना है, फिब्रोइन को नहीं निकालना है, फिब्रोइन तो हमें चाहिए ही। ठीक है, सो क्या है हमारा,
जो सिल्क फैब्रिक होता है उसमें जो हमारा 25 से 28.5%, कभी कभी 30% भी निकल आता है किसी में, सो उसको हम रिमूव करने के लिए डिगमिंग प्रोसेस करेंगे। हमारे चार प्रकार के मेन हमारे सिल्क होते हैं, मेन जो चार होते हैं, और भी वैरायटीज़ होती है लेकिन जो चार मेन होती है, एक होती है मलबरी सिल्क, एक होती है टसर सिल्क, एक होती है मुगा सिल्क, एक होती है ईरी सिल्क। जो मलबरी सिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा गमी सब्सटेंस पाया जाता है, उसमें हमारा 25 से 28.5 और कभी कभी 30, इतना हमारा गमी सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा टसर सिल्क होता है उसमें हमारा 5 से 15% गमी सब्सटेंस पाया जाता है, और जो हमारा मुगा सिल्क होता है उसमें हमारा 7 से 10% गमी सब्सटेंस पाया जाता है, और जो हमारा ईरी सिल्क होता है उसमें हमारा 3 से 5% गमी सब्सटेंस पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा किस में पाया जाता है, मलबरी सिल्क में गमी सब्सटेंस पाया जाता है। सो मलबरी सिल्क में जो हमारा गमी सब्सटेंस होता है, मलबरी सिल्क को हम डिगमिंग प्रोसेस करके ही हम डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करेंगे, अदरवाइज उस पर डाई इफेक्ट हमारा अच्छे से नहीं आएगा, कपड़ा और ख़राब हो जाएगा, पैचेस पैचेस आ जाएंगे बहुत सारे, तो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इन पे मुगा सिल्क का जो बाकी के जो है उनके अगर डिगमिंग प्रोसेस ना करें, करते हैं उन्हीं पे भी अगर ना करें तो इतना बुरा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मलबरी सिल्क पे हम बिना डिगमिंग प्रोसेस किए हम डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करें तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, पैचेस आ जाएंगे और कपड़ा ही ख़राब हो जाएगा अल्टीमेट हमारा। तो डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करने से पहले हम मलबरी सिल्क पे डिगमिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि सिल्क फैब्रिक पर डिगमिंग प्रोसेस करेंगे। जो मलबरी सिल्क होता है उसमें हमारा 25 से 28.5% या किसी किसी में 30% हमारा गमी सब्सटेंस होता है, और 70 से 75% हमारा फिब्रोइन होता है जो कि मेन हमारा सिल्क फैब्रिक ही होता है, जो कि हमें चाहिए ही होता है, और हमारा 0.5 से 2.5% हमारा कलरिंग मैटर, ये हमारा वैक्सी सब्सटेंस, और ये हमारा डर्ट डस्ट इम्प्योरिटीज़, मतलब हमारी 0.5 से 3% होती है हमारी ये, ठीक है। सो इनको हम क्या करेंगे, जब हम डिगमिंग प्रोसेस करेंगे एंजाइम से या फिर सोप सॉल्यूशन से, एंजाइम वाला प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में कि एंजाइम से कैसे करेंगे। सो जब हम प्रोसेस करेंगे एंजाइम से और सोप सॉल्यूशन से, तब क्या होगा इसमें कि डिगमिंग के साथ साथ ही हमारी स्क्योरिंग भी हो जाएगी, मतलब गमी सब्सटेंस के साथ साथ जो कि हमारा 25 से 28.5% है, और जो हमारा इम्प्योरिटीज़ है 0.5 से 2.5 और किसी किसी में 3% तक भी होता है, सो वो हमारे डिगमिंग प्रोसेस के दौरान ही हमारी रिमूव हो जाएगी, वो हमारी हाइड्रोलाइज हो जाएगी, अलग से हमें स्क्योरिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें मैं एंजाइम से कैसे हम डिगमिंग करते हैं ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, और आज का कंसेप्ट हमारा है कि हमें सोप सॉल्यूशन से कैसे गमी सब्सटेंस जो लगा हुआ है फैब्रिक पे, जो गमी सब्सटेंस है उसको कैसे रिमूव करें, उसको कैसे हाइड्रोलाइज करें, ठीक है। सो क्या करते होते हैं सोप सॉल्यूशन के लिए, मार्शली सोप होती है, डिगमिंग सोप भी इसको बोलते होते हैं, इसको ओलिव सोप भी बोलते होते हैं। ये सोप हमारी किसके लिए यूज़ होती है, डिगमिंग के लिए, ठीक है, यही सोप यूज़ होती है, ठीक है, ये स्पेशली हमारी डिगमिंग सोप होती है। सो इसका हम 25% ओन वेट ऑफ फैब्रिक, OWF, कहीं कहीं पे OWM भी लिखा होता है, उसका मतलब होता है ओन वेट ऑफ मटेरियल, OWF का मतलब होता है ओन वेट ऑफ फैब्रिक, ठीक है। मटेरियल का मतलब भी हमारा फैब्रिक है, क्योंकि मटेरियल किस पे करेंगे हम, कपड़े पे ही करेंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे OWM लिखा होता है, कहीं कहीं पे OWF लिखा होता है, ठीक है। सो 25% हम ओलिव सोप लेंगे, यानी कि मार्शली सोप लेंगे, यानी कि डिगमिंग सोप लेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा हमारा 90 से 95 डिग्री सेल्सियस। सिल्क फैब्रिक को हम इस सॉल्यूशन में से पास करेंगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन में से पास करेंगे, उसके 1 से 2 घंटे की प्रोसेस है, टाइम इसके लिए रिक्वायर है 1 से 2 घंटे, ठीक है। सो हम मार्शली सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे फैब्रिक को, उसके बाद हम हॉट वाटर में से पास करेंगे, उसके बाद कोल्ड वाटर में से पास करेंगे, ठीक है। सो क्या होगा कि जो हम जो डिगमिंग सोप है वो क्या करेगी, जो कपड़े के अंदर हमारा गमी सब्सटेंस था वो उसको कपड़े से बाहर निकाल लेगी, वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, पानी के अंदर आ जाएगा, वो जो सॉल्यूशन है सोप का उसके उसमें घुल जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, कपड़े से वो निकल जाएगा, यानी कपड़े से वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब वो कपड़े से हमारा बाहर आ गया है, लेकिन वो स्टेप पे तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा लगा होता है ना बाहर की साइड सरफेस पे, सो इसलिए पहले हम हॉट वाटर से वॉश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो बिल्कुल ही फैब्रिक की स्टेप से हमारा रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसका कोल्ड वॉश कर लेंगे, ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद उसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हम बाइंडिंग पैकेज पे रैप कर लेंगे, ठीक है। अभी ये फैब्रिक जो है हमारा, ठीक है, ये अभी जो ये फैब्रिक है हमारा, ये रेडी है हमारा डाई प्रिंटिंग
फिनिशिंग के लिए, ठीक है। अब इस कपड़े पे हम डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करेंगे तो अच्छे से हमारा डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग होगा, ठीक है। होप कि आपको सुनने में समझ में आया होगा, मैं फिर भी एक बार पेपर पे और बता देती हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ सको। एक मिनट। और जब ये प्रोसेस हम करते होते हैं तो इसमें सिल्क के फैब्रिक का वेट लॉस हो जाता है, जितना गमी सब्सटेंस था वो निकल गया, तो जितना गमी सब्सटेंस था उसमें उतना ही वेट लॉस हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये मैं पेपर पे बताती हूँ, ठीक है। डिगमिंग विद शोब, ठीक है, ये एंजाइम वाला मैं बता चुकी हूँ, ये वाला, ठीक है, पहले वाली वीडियो देखें इसके लिए। और हम पढ़ रहे हैं डिगमिंग विद शोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी शोप यूज़ करते हैं, मार्शली शोप यूज़ करते हैं, इसको ओलिव ऑयल शोप भी बोलते होते हैं, इसको डिगमिंग शोप भी बोलते होते हैं, ये स्पेशली डिगमिंग के लिए ही होती है, ठीक है। इसका 25% ओन वेट ऑफ फैब्रिक, इसका ओन वेट ऑफ फैब्रिक, ठीक है, OWF का मतलब, और WMB लिखा होता है ओन वेट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो 25% लेंगे हम मार्शली शोप सॉल्यूशन, ठीक है, शोप लेंगे। टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, टाइम 1-2 आवर्स, 102 घंटे के लिए। वॉश विद हॉट एंड कोल्ड वाटर टू रिमूव हाइड्रोलाइज गम। लॉस इन वेट 25-28% डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट गम रिमूवल, ठीक है। जितना हमारा गम रिमूव हुआ है उतना ही हमारा फैब्रिक के स्ट्रेंथ में, सॉरी फैब्रिक के वेट में कमी आ जाएगी, लॉस हो जाएगा उतना ही वेट हमारा, जितना निकल गया उतना ही कमी हो जाएगी, ठीक है। सो कैसे कैसे करेंगे, ये जो हमारा है ये है हमारा अनट्रीटेड फैब्रिक, अनट्रीटेड फैब्रिक, ठीक है, वाइंडिंग वाइंडिंग पैकेज, ये हमारा फैब्रिक रोल, ठीक है, ये हमारा है फैब्रिक सप्लाई, ये है हमारे गाइड रोलर्स, पैड रोलर्स, ठीक है, और ये है हमारे पैड रोलर्स, पैड रोलर जो लिक्विड के अंदर होते हैं हमारे, ठीक है, इनको इमर्ज रोलर भी हम बोलते होते हैं। और जो ऐसे ऐसे रोलर होते हैं जो मैंने बाकी पीछे प्रोसेस में बताए, इनको बोलते हैं थ्री बाउल पैडिंग मंगल, ये थ्री है तो थ्री बाउल पैडिंग मंगल, ये दो होते तो टू बाउल पैडिंग मंगल, ये फोर होते तो फोर बाउल पैडिंग मंगल, मोस्टली हमारा थ्री बाउल पैडिंग मंगल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो ये हमारा पैड रोलर है, सो हम ये टू बाउल पैडिंग मंगल है ये वाला, ठीक है, टू बाउल वाले में से, इसमें से हम जो लिक्विड के अंदर होता है उसको पैडिंग रोलर बोलते होते हैं, अल्टीमेट उनको इमर्ज रोलर बोलते हैं, तो ये भी लिक्विड के अंदर है, इसको भी हम पैड रोलर बोलेंगे, ठीक है। सो ये हमारा सॉल्यूशन है मार्शली शोप सॉल्यूशन, ठीक है, ओलिव शोप सॉल्यूशन भी बोलते होते हैं, इसका टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस सॉल्यूशन में से हम फैब्रिक को पास कर रहे हैं, सिल्क फैब्रिक है ये, कौन सा फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक, ठीक है, पास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा कि फैब्रिक पे जो हमारा गमी सब्सटेंस था वो हमारा रिमूव हो जाएगा, वो हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वो रिमूव होकर पानी के इसमें सॉल्यूशन में आ जाएगा, सोप सॉल्यूशन के में घुल जाएगा वो, ठीक है, इसमें कपड़े से निकल जाएगा और इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब कहीं कहीं पे जो सॉल्यूशन निकला वो फैब्रिक के बाहरी सतह पे कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा लगा रह जाएगा वो, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम हॉट वाटर से ट्रीट करेंगे, कोल्ड वाटर से नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर से करेंगे तो थोड़ा सा सही से नहीं होगा, हॉट वाटर से पहले करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है ये स्क्वीजिंग रोलर, दो पेयरिंग में जो रोलर होते हैं इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग रोलर, जो कि एक्स्ट्रा वाटर को, जो कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को स्क्वीज कर देगा, निचोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद हॉट वाटर से करने हैं, जिससे कि क्या होगा कि फैब्रिक के स्तर पे जो गमी सब्सटेंस था बाहर की साइड वो हमारा बिल्कुल ही निकल जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा वो, ठीक है, हॉट वाटर में। उसके बाद ये भी स्क्वीजिंग रोलर है हमारा, ताकि एक्स्ट्रा जो होम वाटर है वो हमारा स्क्वीज हो सके। उसके बाद हम कोल्ड वाटर से ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये है हमारा पैड रोलर, ठीक है, कोल्ड वाटर से वॉश किया हमने, ठीक है, ये भी हमारा स्क्वीजिंग रोलर है। स्क्वीज़ किया, एक्स्ट्रा वाटर को स्क्वीज़ करने के बाद हमने ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद हमने वाइंडिंग पैकेज पे इसको रैप कर लिया। ये फैब्रिक हमारा रेडी है डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग के लिए, ठीक है। इस कपड़े पे हम डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग करेंगे तो अब हमारा अच्छे से डाई प्रिंटिंग फिनिशिंग होगा, ठीक है। मार्शली सोप इज़ नॉट अवेलेबल देन नॉर्मल सोप विद लो एल्कलिनिटी कैन बी यूज। अगर मार्शली सोप हमारी अवेलेबल नहीं है तो हम लो एल्कलिनिटी वाली जो सोप होती है उसका भी हम यूज़ कर सकते होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सोप डिगमिंग द नेचुरल वैक्स एंड ऑयल स्टेन्स आर ऑल्सो रिमूव। इसमें ही बोल रहे हैं कि जब हम सोप डिगमिंग करते होते हैं तो जो नेचुरल वैक्स, जो ऑयल मार्क, जो स्टेन मार्क होते हैं, स्टेन होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, ग्रीस के मार्क हो गए हैं, जो भी इंप्योरिटीज होती है वो हमारी डिगमिंग के दौरान ही हमारी रिमूव हो जाती है, अलग से मेस्क्योरिंग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखना कि लर्न अबाउट सिल्क डिगमिंग, ठीक है, इतना एक लाइन में सफिशिएंट, इतना कि लर्न अबाउट सिल्क डिगमिंग, इतना समय नहीं होता आपके पास एग्जाम में, ठीक है, कि सभी का वो कंक्लूजन लिखो, आप लिखना चाहो तो अपनी उसमें लिख देना। वैसे मैंने सारे तरीके आपको बता रखे हैं कि कैसे कैसे कंक्लूजन लिखते होते हैं, कैसे कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। सो ये था आज हमारा शोप सॉल्यूशन।
ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने वर्बली भी बताया है, पेपर भी बताया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, पहले नोट्स में पढ़िएगा, अल्टीमेट तो नोट्स में ही देख के समझ में आएगा, क्योंकि नोट्स ही मैंने ऐसे इजी लैंग्वेज में बना के दिए हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं आपको, इंटरनेट वाली लैंग्वेज में भी, खुद भी बना के भी दिए हैं, और हिंदी में भी, दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। नोट्स पढ़िएगा, नोट्स में ही समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो देखिएगा जो यूट्यूब पे अपलोड जो भी है मैं करूँगी, एक और मैंने इसे रिलेटेड कर रखी है पहले भी, ठीक है। वीडियो देखिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास के दौरान जब क्लास में करवाऊँ तब पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।